भागलपुर नगर निगम की लापरवाही और अधिकारियों की अनसुनी और बारिश की पानी लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। जल जमाव की समस्या सिर्फ बारिश के दिनों में नहीं बल्कि अस्थायी हो चुकी है। भागलपुर स्मार्ट सिटी का हाल बयां करती यह तस्वीर नाथनगर कुंडी टोला स्थित बीबी वैक्सन लेन की है, जहां तकरीबन 6 माह से महादलित टोला के लोग जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। नाली के अभाव के कारण जल निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे कि महादलित टोला में जल जमाव के कारण महामारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि गंदे पानी की वजह से सैकड़ों स्कूली बच्चे डायरिया की चपेट में आ गए हैं। नाले के अभाव के कारण बारिश का पानी ही नहीं बल्कि घरेलू पानी भी सड़क पर बहता है, जिससे कि हमेशा जल जमाव की समस्या बनी रहती है और स्कूली बच्चे गंदे पानी में चलकर स्कूल जाने को मजबूर है। स्थानीय लोगों की माने तो DM से लेकर नगर निगम तक हाजिरी लगा चुके हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठे अफसर साहों के कानों में जू तक नहीं रेंगा। नाली का परेशानी है बहुत, और बहुत दिनों से परेशानी है। यहाँ बार बार पानी होने के कारण बच्चे सब बीमार पड़ जाते हैं। इसके लिए वार्ड नंबर 5 के पास गए, जो वार्ड नंबर हम लोग का है उसके पास गए, लेकिन उसको वो कोई सुन ये क्या नाम फराना के पास गए, वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। उसको फ़ोन भी करते हैं तो एक बार फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कचहरी गए, फराना वार्ड पार्षद है, वार्ड पार्षद है। उसके बाद फिर हम गए कचहरी, गए वहाँ नगर आयुक्त के पास कागज़ दिए, उसके बाद कमिश्नर कोठी में कमिश्नर के पास दिए कागज़ हम, मतलब जहाँ जहाँ कागज़ था देने के वहाँ वहाँ हम लोग कागज़ दिए, लेकिन DM के पास दिए, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। जिनके कारण बीमारियों का हम लोग शिकार हो रहे हैं, सारे बाल बच्चे हम लोगों के डायरिया से प्रकोपित हो रहे हैं, सीजनेबल बुखार से ग्रसित हैं। कोई घर ऐसा नहीं बचा है कि जिन घरों में बच्चे बीमार नहीं है। महादलितों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ने की बात करने वाले समाज सेवी से लेकर सरकार तक आंख पर पट्टी बांध लिया है, और हमारे देश के भविष्य गंदे नाले की पानी से गुजर कर उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए प्रतिदिन स्कूल जा रहे हैं। सिल्क TV से सुमित शर्मा की रिपोर्ट।